हाय गाइस, माय नेम इज़ वानी एंड फैशन ट्रैवलर्स चैनल में आपका फिर से वेलकम है। आज का जो वीडियो होने वाला है हॉल टाइप का वीडियो है, तो अगर आप पसंद करते हो ऐसे हॉल टाइप की वीडियो तो आप वीडियो कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। आजकल जो है फेस्टिव सीजन चल रहा है, बैक टू बैक कोई ना कोई फेस्टिवल आ ही रहा है, तो जाहिर सी बात है आप लोग शॉपिंग करने की सोच रहे होगे या फिर शॉपिंग करने वाले हो। ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखो, या फिर अगर आप ऑफलाइन भी शॉपिंग करने जा रहे हो तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिलेगा फैशन का, कैसे आपको इसको स्टाइल करना चाहिए। और क्योंकि मैं गर्ल्स और वुमेन से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाएगा आपको, तो कंटिन्यू रख सकते हो लास्ट तक, ओके। तो आज का ये जो वीडियो है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इस साड़ी में देखा था, तो मुझे लगा क्यों ना मुझे भी ये साड़ी ट्राई करनी चाहिए और आप लोगों को बताना चाहिए कि ये किस तरीके की साड़ी है, ठीक है। तो चलो, मैंने मंगाया है सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये रही वो साड़ी और जिसका मैं आज रिव्यू देने वाली हूँ आपको, सिर्फ मैंने आप लोगों को रिव्यू देने के लिए इस साड़ी को परचेज़ किया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये, और तो मुझे लगा क्यों मैं भी ट्राई करूँगी, इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया है अमेजोन से। एंड इस साड़ी को कहते हैं प्लीटेड साड़ी, ओके। प्लीटेड साड़ियों में भी कई तरह की वेराइटियाँ हैं, तो आगे मैं कंटिन्यू करूँगी इन साड़ियों को लेकर। आज मैं आपको इस टाइप की कुछ दिखाऊंगी, जो कि आप देख सकते हो ऐसे 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 प्लीट्स इसमें डाली हुई, पूरी ओवरऑल साड़ी में ऐसी ही डिज़ाइन है। कुछ इसका पल्लू भी नहीं है, मतलब पल्लू वगैरह आपको नहीं मिलेगा, सेम साड़ी है। अगर आप चाहो तो मार्केट से आप इस तरीके का फैब्रिक ले लो और बस साड़ी बना सकते हो आप उसको कट करके, तो उसी टाइप का कुछ फैब्रिक है, पल्लू डिज़ाइन कुछ नहीं, बस वही प्लीट्स वगैरह हैं ऐसी ऐसी वाली। तो सिल्क टाइप का मटेरियल है एंड अच्छा है, मुझे क्वालिटी मस्त लगी। बस इसमें क्या प्रॉब्लम आई, अभी मैं आपको ड्रेप करके भी दिखाऊंगी, स्टाइल करके भी बताऊंगी। इसमें प्रॉब्लम मुझे ये आई कि अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, अगर आपकी हाइट, मैं बहुत ज़्यादा लंबी हूँ, अगर आपकी हाइट 5.5 या 6 तक जाती है तो आप ये साड़ी मत लेना, क्योंकि ये साड़ी बहुत ज़्यादा विथ वाइज बहुत ज़्यादा छोटी है, क्योंकि हमें टक करने के लिए, आप अगर आप साड़ी पहनते हो तो हमें टक करने के लिए अंदर थोड़ा सा इतना तो होना ही चाहिए अंदर टक करने के लिए, है ना। इसमें वो चीज़ नहीं है, क्योंकि विथ वाइज बहुत ज़्यादा कम है, अगर हम पहनते भी हैं ना कैसे भी करके तो वो निकल जाने वाली है। क्योंकि मैंने एक दिन पहना था किस दिन पहना था, शायद मैंने नवरात्रि के लास्ट दिन में पहना था शायद इसको, तो मुझसे ये साड़ी संभल ही नहीं रही क्योंकि वो बार बार निकल जा रही थी, तो मुझे इसमें ये डिसअपॉइंटेड लगा कि ये साड़ी बहुत ज़्यादा विथ वाइज छोटी है, क्योंकि टक करने के लिए जगह ही नहीं है इसमें। अगर आपकी हाइट कम है तो आप बिल्कुल ऑफकोर्स आप ले सकते हो इस साड़ी को, मैं कभी नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप ये साड़ी बिल्कुल मत लेना। लेंथ वाइज ये बहुत अच्छी है, प्लीट्स बहुत सारी आती है, कम से कम 6 से 7 प्लीट्स यहाँ पर बनकर आती हैं। बस एक कमी की वजह से मुझे ये रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने इसको क्यों लिया, ओके। तो ये रही इस साड़ी के रिव्यू, और ओवरऑल मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी बहुत लगी, इसके डिज़ाइन भी कलर भी सब बहुत अच्छा लगा, आप चाहो तो ले सकते हो। और मुझे ये बस उसी चीज़ की वजह से मुझे ये पसंद नहीं आई, अमेजोन पे काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा और इस प्राइस में चाहिए ही क्या, और आप चाहो तो ले सकते हो। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो तो उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, तो आप जाओ और चेकआउट करो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप चेक कर सकते हो। आगे और भी मैं इसी टाइप की डिज़ाइनर साड़ियाँ आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मैंने वो भी मंगा के रखी हुई हैं, मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। देन सेकेंड, मैंने जो स्टाइल किया है और वो भी आप देख सकते हो, मैंने इस टॉप के साथ ही स्टाइल किया है। मैंने ये टॉप, मुझे बहुत पसंद आ रहा था, इसके साथ ब्लाउज़ भी आया है, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। इसका जो ब्लाउज़ है कुछ इस टाइप का है एंड ऐसी पॉली बैग में आपको मिलेगी ये साड़ी, और ये इस टाइप का सिक्वन वर्क का ये ब्लाउज़ पीस है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप चाहो तो काफ़ी अच्छी अच्छी स्लीव्स यहाँ तक आपके एल्बो लेंथ तक बन जाएगी, अगर आप थोड़े दुबले पतले हो तो आराम से बन जाएगी, तो आप देख सकते हो। कलर कॉम्बिनेशन ब्लाउज और साड़ी का दोनों ही मैच कर रहा है, अच्छा लग रहा है दोनों ही।
मैंने स्टाइल किया है इस टॉप के साथ, जो कि ये टॉप जो है ये अमेजोन का नहीं है, ये मिंत्रा का टॉप है। मुझे ये टॉप बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिन से मुझे चाहिए था पर मैं ले नहीं पा रही थी, पर फाइनली मैंने ये ले लिया। और इस टाइप के टॉप जो है ना कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक अगर आपके पास कोई वाइट और ब्लैक कलर में या फिर ऑफ वाइट कलर में अगर आपके पास कोई टॉप वगैरह है ना, तो आप उसको हर चीज़ में मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। ये तीन चीज़ें तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। तो अगर आप चाहो, अगर आपको सिंपली कैजुअली एंड अगर आप ऑफिस वगैरह के लिए जाते हो तो इस टाइप के टॉप वगैरह आप परचेस कर सकते। ये मैंने मिंत्रा से लिया है तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस टॉप के साथ ही मैंने इस साड़ी को स्टाइल किया है, जो कि उसके ब्लाउज से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा मॉडर्न लुक लाना था मुझे और थोड़ा सा हटके लगना था, इसलिए मैंने इसमें टॉप के साथ इसको वेयर किया है। ब्लाउज के साथ भी वेयर करती तो भी अच्छा लगता, बट इसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था। अगर आप चाहो तो इसको ऑफिस में भी पहन सकते हो इस तरीके से, इस टॉप के साथ। ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप का टॉप हो आप, मैंने बहुत सारे आपके साथ वीडियो शेयर किए हैं, आप अगर आपके पास कोई वाइट शर्ट है या अगर आपके हस्बैंड की ही वाइट शर्ट है तो उसके साथ भी अपनी साड़ियों को आप अच्छे से नोट बनाकर फ्रंट में वेयर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा और हटके लगेगा। उसी की कलर फैमिली से मैंने झुमका भी वेयर किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे झुमका इसके साथ। काफ़ी दिन बाद मैंने इसको वेयर किया है, बहुत दिन हो गए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसके साथ, अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। एंड मैंने अपना एक हैवी सा मंगलसूत्र पहना है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर इस मंगलसूत्र का आपको लिंक चाहिए तो मुझे आप ज़रूर बताना, मैं इसका लिंक आपको ज़रूर दूंगी। एंड ये मंगलसूत्र एक्चुअली पता है कैसा था, इसमें है ना काफ़ी मोटे मोटे यहाँ पर यहाँ तक ही था ये, तो मुझे वो एकदम गले से चिपके हुए इतने भरे भरे से मुझे पसंद नहीं आते, तो इसलिए मैंने अलग से जो मंगलसूत्र की चैन होती है ना वो मैंने अलग से उसमें अटैच करी है, तो अब मुझे वो मंगलसूत्र बहुत अच्छा लगने लगा है। और आप चाहो तो इस तरीके से आप अपने करवा चौथ में भी वियर कर सकते हो, थोड़ा सा ज़रूरी नहीं हर बार आप भर भर के ही पहनो, कभी कभी सिंपल भी दिख सकते हो। लेकिन हाँ, न्यूली मैरिड जो गर्ल्स होती हैं उनको तो काफ़ी अच्छे से रेडी होना पड़ता है और रेडी होना भी चाहिए, तो उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगी आगे, कहीं रेडी हो। आप चाहो तो दिवाली पर भी इस तरीके से रेडी हो सकते हो, अगर किसी के घर पे जाना है कहीं पे भी गेस्ट बनके, तो इस तरीके से आप रेडी होके जा सकते हो। साड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो मैं आपको बता दूँ, ये साड़ी जो है ना अगर आप थोड़े फैटी हो, थोड़े मोटे हो ना, तो ये साड़ी आप मत लेना, क्योंकि अगर आप मोटे हो और ये साड़ी का लुक थोड़ा सा है ना फुला फुला टाइप का आता है तो आप ये साड़ी मत लेना। अगर आप थोड़े से दुबले पतले हो, स्लिम हो, तो आप बिल्कुल आपके लिए ही ये साड़ी, तो आप ये ले सकते हो। और दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया, इसमें मुझे लेंथ की कमी आ रही है, सॉरी विड्थ की कमी आ रही है, क्योंकि अंदर टक करने के लिए फैब्रिक नहीं बच रहा है, तो दो रीज़न है आप इस साड़ी को नहीं ले सकते हो, बाकी आप जा सकते हो इस साड़ी के साथ। ओके, और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे, मौज पे, और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो मैं वहाँ पर भी डालती हूँ, तो मुझसे और भी ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, वहाँ पर सबसे पहले वीडियो जाती है मेरी, छोटी छोटी वाली वीडियो जो होती है ना वो सबसे पहले जाती है, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। ओके बाय, सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक भी कर दिया करो, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दिया करो, लेकिन कुछ तो किया करो। ओके ओके, मैं मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।